दोस्तों मैं सोना निकाल के देखता हूँ, ये रेत इकट्ठा करते हैं। अभी मैंने सीख लिया है, अब मेरे को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये देखिए, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक कापट और मेरे साथ गौरव भाई हैं। इधर हम लोग घूमने के लिए हुए हैं, तो रास्ते में एक दीदी है, ये दे, ये दे। इसको बड़खा खोखली बोलते हैं जो। अच्छा, ये आप पकड़े हैं जो ना, ये अपना अपना घारा में उगता है, हर साल यही उगेगा, ये दूसरे जगह नहीं जाएगा। अच्छा, ओ जहाँ जहाँ उड़ता है हर साल वहाँ वहाँ केवल उड़ता है। तो आपको पता होगा कहाँ कहाँ उड़ता है, नहीं? हाँ, ये तो छुप गया था, इसको आप ढूंढ निकाले है, नहीं? हाँ, हाँ, देखिए बहुत टेस्टी सब्जी होती है दोस्तों। हाँ, इसकी टेस्ट होता है। और भी होगा इधर ना, किस सबको कोड़ लिए? ना, इसको सब लाख से खोदते हैं। अच्छा, हाँ। दिन को क्या नहीं खोदते हैं? दिन को बहुत कम खोदते हैं, वो सब बैल सब चराते हैं, वो सब खाते हैं। ये लंबा निकलेगा ना? निकाल तो निकलता है लेकिन टूट जाने खोजता है ना। अच्छे से निकाल, ले निकाल, टूट गया बड़ा कुकड़ी, टूट गया, गौरव को नहीं आया। दोस्तों हम लोग तपकरा के पास हैं, तपकरा के पास ये जो ईब नदी है, ये ईब नदी का पुल देखिए आप लोग, और इधर से होते हुए हम लोग जा रहे हैं उधर के साइड में जहाँ पर पानी थोड़ा कम है। अरे भाई आजा, गौरव भाई स्कूटी लेके आ रहे हैं। हम लोग उधर इसलिए जा रहे हैं, रेत रेत है उधर, सोना निकालते हैं। इस नदी में सोने की मात्रा पाई जाती है, सोना मिलता है दोस्तों यहाँ पे, लेकिन काफ़ी मेहनत मशक्कत करना पड़ता है तब मिलता है। और यहाँ के बहुत सारे जनजाति हैं, बहुत सारे लोग फैमिली हैं जो सिर्फ सोना निकालने का काम करके ही अपनी जीविका चलाते हैं, जीवन यापन करते हैं। इस नदी को गोल्डन रिवर भी कहते हैं क्योंकि यहाँ सोना निकलता है। सोना निकालने का काम कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस होते हैं, है ना, ये सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अगर हम लोग सही हैं। दूर से हम लोगों ने देखा, गौरव भाई बोल रहे थे कि वो देखो सोना निकालने का काम कर रहे हैं, तो मैंने बोला कि यार चलो देखते हैं। ये है ईब नदी दोस्तों, और उधर के साइड में है मैनी नदी, ईब मैनी, कितना अच्छा सुंदर नाम है। ये पुल अभी कुछ दिन पहले जब तेज बारिश हुई थी दोस्तों, तो ये सब जगह डूब चुका था बारिश के पानी में। अभी एक दो दिन मौसम सही है, धूप है तो सूख गया है। कैसे जाएंगे उस साइड में, जाने के लिए कोई सूखा जगह नहीं है, पानी से पार होकर हम लोगों को जाना पड़ेगा नदी के, काफी बड़ी नदी दोस्तों। गौरव भाई शूज निकाल लिए हैं, मैं तो स्लीपर पहन के आया हूँ, मैंने भी अपना स्लीपर निकाल लिया है क्योंकि ऐसे खाली पैर चलने में मजा भी आएगा और ठीक है फंसेगा भी नहीं पैर, है सही। यहाँ से पार होके उधर जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कितना गड्ढा है, अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो गौरव भाई को तैरने भी नहीं आता। एक काम करते हैं, लकड़ी सा कुछ ले आते हैं। और कोई रास्ता नहीं उधर से? नहीं होगा ज़्यादा गड्ढा, बालू बालू दिख रहा है मेरे। पक्का? चल, बहुत ज़्यादा गड्ढा है दोस्तों। सुन ना, उधर चलते हैं, कुछ रास्ता दिखेगा उधर से, इधर से बात नहीं बनेगी। सुबह का टाइम होता, नहाने से पहले वाला टाइम तो सही रहता, नहा भी लो और पार भी हो जाओ, एक तीर दो निशाने हो जाएंगे। बारिश होती है तो सही रहता है, बारिश बंद गर्मी लगना चालू, एकदम मैन वर्सेस वाइल्ड वाला सीन हो गया है। हम लोग नदी के बीचों बीच जाने की तैयारी में हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं। हाँ, और इसी तरह गौरव भाई रास्ता ढूंढ निकाले हैं। उधर जाना है दोस्तों, इसके बाद वाला जो आप लोगों को ब्लॉग देखने को मिलेगा वो जशपुर का होगा, क्योंकि मैं जशपुर जाने वाला हूँ। ओ भाई भाई, हम लोग उधर जाएंगे कैसे? इधर तो और ज़्यादा पानी है, यहाँ पर मस्त से पत्थर मिलते हैं दोस्तों, गोल गोल जैसे चिकने चिकने। यो ये देखिए, यहां से मैं आराम से पार हो जाऊंगा। अच्छा दोस्तों, नॉइज के लिए सॉरी, हवा चल रही है। तैयारी करता था उसमें भी ईब नदी जो जशपुर जिले में है करके, इसमें सोना निकलता है बोलते हैं। चल आज पहुंच गए, देखते हैं।
सोना मन भेटो की। ये देखिए दोस्तों, इन लोग का जो सोना निकालने का उपकरण है ये आप देख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं मैं पूछ के बताऊंगा, ये तो खैर वो चोरिया है। और ये है एक हेसुआ जैसा। यहाँ पर नहा रहे थे वो आंटी लोग तो ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाया, और अगर उन लोगों को सोना मिला होगा तो हम लोगों ने नहीं देखा, क्योंकि उन लोगों ने दिखाया ही नहीं क्योंकि उन लोग नहा रहे थे। कितने चमकीले से हैं भाई, यहीं पर तो सोना नहीं है। मैं दिखाऊंगा अभी सोना निकालते कैसे हैं। ये देख, ये देख, हाँ ये जो चमक रहे हैं ना, हाँ वही है ये, ये देखिए उनको थोड़ा सा सोना मिला हुआ है। हाँ, जो सुनहरा कलर का दिख रहा है वो ब्लैक कलर का जो बालू है ना जो इधर किनारे में, हाँ, वही सोना है। वो ब्लैक कलर के ऊपर में बालू के। चल दिया उसमें छना जाएगा। तो हजा हो जी जही जी, इसमें और है ना। दोस्तों यहाँ पर एक भाई साहब हैं, मैं इनसे आप लोगों को मिलवाता हूँ। क्या नाम है जी आपका? दीपक। मैं जिससे भी मिलवाता हूँ उनका नाम दीपक ही निकलता है। मैं भी दीपक हूँ, ये भी मेरे मितान हैं। ये जो सोना निकालने का प्रोसेस है वो शुरू कैसा होता है, फर्स्ट स्टेप कैसा होता है, कैसे इनको सोना मिलता है? एकदम छोटे छोटे कण होते हैं, मैं इनसे भी जानूंगा। देखिए अब ये दिखाएंगे। ताकत है खरा। वो जो पानी कर अंदर वाला बालू में नहीं निकले, लेकिन इनमें ज्यादा चांस रहते ना। देखिए दोस्तों सोना कैसे निकालते हैं, जो नदियों में रेत होता है उससे पहले रेत को उनका जो फरा होता है सूप जैसा, उसमें पहले रेत इकट्ठा करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं आप लोग देखिएगा। और ये जो औजार है जो हाथ में रखे हुए हैं हेसुआ जैसा, वो थोड़ा नुकीला जैसा है, कॉप्ड है एकदम। वो किस काम के लिए आप लोग देख सकते हैं, रेत को इकट्ठा करने के लिए। थोड़े कठोर भी हो, जम गया होगा रेत तो भी कट के आ जाएगा। अब देखिए अभी जो रेत इकट्ठा किए हैं दोस्तों उसको ये धो रहे हैं, लास्ट तक धोएंगे जब तक एकदम महीन छोटे छोटे चमकीले जो रेत हैं वो ना बच जाएं। एकदम जो ब्लैक ब्लैक से एकदम महीन जो रेत होते हैं वो बचता है, और वो चमकीला वाला। दिन भर करते हैं सब? कहाँ दिन भर करते हैं, कभी कभी 10-11 बजे तो आते हैं। रोज आते हैं? रोज आते हैं। कहाँ निकाल लेते हैं एक दिन में? कहाँ निकालेंगे, मिलेगा तो मंदिर का आ जाते हैं। नहीं फिर भी कितना सोना बिक जाता है, और कहाँ बेचते हैं इसको? यहीं बेचते हैं, सोनार लोग के पास। हाँ निकला तो डाल दिया तुम्हें। अच्छा अब इसमें सोना को दिखाई तो एक बार। ये दी मने ने एकदम छोटे छोटे कण जैसे हैं दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। एकर में निकला देता हूँ, एकर में निकला देता हूँ रोट में। हाँ ऐ दे एकदम। देखिए दोस्तों ये जो पीला पीला दिख रहा है ना, ये सोना है। ये जो फरा है बड़ा सा, इसमें अब निकाल के दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों एक टाइम का ये इतना सोना इनको मिला हुआ है। ये मतलब सेकंड टाइम का है कि सुबह से अभी तक का? नहीं, 10 बजे आए थे दोस्तों। ये 10 बजे आए थे और अभी कितना बज रहा है गौरव?
अभी बज रहा है 3:30। अभी 3:30 बज रहा है, 10 बजे से लेकर अभी तक का ये 5.5 घंटे में मिलेगा आपको इतना सोना इनको मिला हुआ है। यही इनको मिलेगा फिर 400-500 रुपये मिलेगा। ये उसी में स्टोर करके रखते जाते हैं, 5-6 घंटे तक मेहनत कर रहे हैं, वो बह गया कहीं तो हो गया, नहीं बहता होगा लेकिन ना कितना सोना होगा इस नदी में, ये करोड़पति नदी है दोस्तों। दोस्तों मैं सोना निकाल के देखता हूँ, रेत इकट्ठा करते हैं, अभी मैंने सीख लिया है, अब मेरे को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। घर भी सोने का बनवाऊंगा। ये देख रहे, पहले कर लीजिए, उसके बाद हाँ उसको सेक कर इधर उधर करना, मैं भी सोना निकाल रहा था, ये भी निकाल रहा था। थोड़ा सिग्नल पड़ रहा है दोस्तों, ये जो नदी के ऊपर जो पुल बना हुआ है ये उड़ीसा मार्ग को जोड़ता है। चलते हैं अभी यहाँ से, देख लीजिए दोस्तों आप लोग, और हम लोग जबरदस्ती कहाँ कहाँ से घूम के उन्हीं लोग वो देता हम लोग का स्कूटी, इसमें सोच चल जाना है हम लोग, अब उसी में तो गड्ढा था रास्ता नहीं है उसी, सीधा गया देखा हूँ मैं उन लोग को जाते, कुछ बार बार नहीं किए हैं सही हाँ? कुछ ना कुछ भूल ही जाता हूँ। थोड़ा कुछ सोना ला तो दिखाओ, ये देखिए इनको लेकिन काफी सोना मिला है भाई, ये देखिए दोस्तों हम लोगों ने उनसे सोना मांगा कि आपने जो सोना निकाला हम लोगों को दे दीजिए और जितना पैसा आपको चाहिए वो ले लीजिए, 300 रुपये ही मांग रहे थे वो, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन ले के जाने के लिए कोई जुगाड़ नहीं था, कोई साधन नहीं था, शुद्धिकरण हो रहा है गौरव भाई की, मेरे को कर रहा है। इधर है हमारी स्कूटी, भौरा के गीत चले रे दूर अंगूर, बस घर पहुंचने वाले हैं, एक और नदी पड़ता है रास्ते में, ये नदी वहीं जाके मिलती है जहां हम लोग गए थे, हम लोग रुके हुए हैं, इसका रीजन है हम लोग कुछ खा लेते हैं वहाँ से पैक करा के लाए हैं और फिर खाने के बाद चलते हैं। सोना दिया है इसमें खाने में मजा आएगा। मछली खाना है दोस्तों आप लोगों को, तेरा खोक्सी मछली कहते नहीं बैंड है, बैंड बैंड मछली सांप जैसा ना, सांप जैसा होता है यार, ये पीसी है अच्छा है कहीं नहीं। दोस्तों आ गया हूँ मैं घर, शाम हो चुकी है, ये वीडियो मैं यहाँ पर एंड करने वाला हूँ दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बता दीजिएगा मुझे, ठीक है अपना ख्याल रखिएगा, जल्द मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।